हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का सबसे इमोशनल एंड डिप्रेसिव फेस शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल 90% लोग जो है वो PCOD PCOS फेस कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। एक टाइम पे मैंने भी ये सब फेस कर लिया था, बट मैंने उन सबको हरा के आज अपनी प्रेगनेंसी अचीव कर ली है। तो अगर आप भी इन सब से जूझ रहे हैं तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत मददगार होगी। मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मेरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी शादी हुई थी 2018 में, हमारी लव मैरिज थी। मेरे फादर इन लॉ हमारी मैरिज के अगेंस्ट थे, तो उन्हें तो मैं पसंद ही नहीं थी। वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते थे, वो शुरू से ही मुझे बहुत डोमिनेट करते थे, टॉर्चर करते थे। जब तो चली हुई सब तो हो चलता ही रहता था। तो हम अपनी शादी इंजॉय कर रहे थे, लव मैरिज थी, बहुत घूमते थे, बहुत इंजॉय करते थे। 2 साल तक हमने मैरिज को बहुत इंजॉय किया। देन हमारा प्रेशर बढ़ गया प्रेगनेंसी की ओर। हमारे इन लॉज हमें प्रेशराइज़ करने लगे कि अब 2 साल हो गए, अब आपको बच्चा कर लेना चाहिए। तो वो हम पे बहुत प्रेशर करते थे। हमारा भी मन होता था बच्चा करने का, हो गए 2 साल, अब लाइफ में आगे बढ़ना है, बच्चे करना है। तो हमने भी सोचा चलो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हमने ट्राई किया, मुझे 1 मंथ में ही कंसीव हो गया ईजीली। तो हम बहुत हैप्पी थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत हैप्पी थे। तो मेरी उस टाइम पे ना कोविड चल रहा था, एंड मेरी ननद भी यहाँ आई थी, इवन वो भी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने भी यहाँ चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव आया। तो आप तो जानते हैं बहू को ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं ही ज़्यादा काम करती थी। कोविड में मेड्स भी नहीं आती थी, तो इवन वो काम भी बढ़ गया, जिसकी वजह से 1 मंथ में ही मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत ही परेशान हुई। इवन मुझे एमटीपी किट से मेरा मिसकैरेज जो है वो रिमूव किया, अबॉर्शन किया डॉक्टर ने, जिससे बहुत पेन होता है। मैं फिज़िकल पेन में तो थी ही, मेरा मेंटली प्रेशर भी बहुत बढ़ने लगा। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगी, रोने लगी। बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, वो बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। तो ऐसे क्या हुआ, चलो ठीक है ये सब हो गया। 6 मंथ तक हमने फिर ट्राई नहीं किया। आफ्टर 6 मंथ हमने फिर से ट्राई किया, फिर से बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई किया, बट हमें कंसीव नहीं हो रहा था। 6 मंथ तक हमने नेचुरली ट्राई किया, बट हमें कंसीव नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर इन लॉ फिर बार बार मेरे हस्बैंड से बोलते थे कि इसको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरी सोनोग्राफी करी, एंड उसमें मेरी रिपोर्ट में आया कि मुझे PCOD है। तो मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे कभी भी ब्लीडिंग हो जाती थी, कभी भी कुछ हो जाता था, कभी वाइट डिस्चार्ज हो जाता था। तो मैंने बहुत से ट्रीटमेंट्स किए, डॉक्टर ने मुझे एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया, बट एलोपैथी ट्रीटमेंट से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पीरियड्स वैसे के वैसे थे, इवन मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मुझे UTI भी हो गया, मैंने 8 महीने तक UTI से मैं जूझती रही। मुझे कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, इवन जो एंटीबायोटिक्स थी वो मेरी बॉडी में रेजिस्ट कर गई। तो UTI से मेरी बॉडी और ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे बार बार यूरिन आने लगा, रात भर हर आधे घंटे में मुझे यूरिन आता था पहले तो। अब मुझे उससे ठीक करने मेरा चुनौती बन गई। तो मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट किए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया, तब जाके मुझे फ़ायदा हुआ। एंड मुझे एक गुरुजी थे, उनसे दवाई मंगवाई थी, तब जाके मुझे फ़ायदा हुआ। फिर चलो मेरी बॉडी अब ठीक हो गई, अब मुझे फिर से कंसीव करने के लिए ट्राई करना था। फिर मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट किया कंसीव करने के लिए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अब नेचुरली यूट्यूब पर वीडियोज़ देखती रहती थी, हाउ टू कंसीव, हाउ टू इंक्रीज एक्साइज, महीना हेल्थ के चैनल बार पूरा दिन देखती रहती थी। एंड मैं लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी देख के मोटिवेट होती थी कि कैसे लोगों ने भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में प्रॉब्लम्स फेस की, एंड इन द लास्ट उन्होंने प्रेगनेंसी अचीव कर ली। तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट हो जाती थी। ससुराल का प्रेशर तो अलग था ही, इवन मैं बाहर जाती थी तो लोग भी मेरी जान खाते थे कि तुम्हें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, शादी को 3 साल हो गए हैं। सारी आंटीज़ मैं वॉक पे जाती थी तो मुझसे पूछती रहती थी कि बेटा तुम्हें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने वॉक पे जाना भी बंद कर दिया। मैं किसी को कॉल करती थी, किसी अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, तो वो भी मुझे यही बोलते थे कि तुम्हें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरा मेंटल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगा, मैंने सबसे कॉलिंग पर बात करना बंद कर दिया था।
बताऊँ क्या हुआ, धीरे धीरे मैं अकेले रहने लगी, मैं पूरा दिन रूम में ही रहने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, फिर मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, तो मैंने एक गुरुजी से बात करी, उन्होंने कहा कि तुम जपजी साहिब करो। मैं माता में बिलीव करती थी, मैं यूट्यूब पे गणेश मंत्र आता है, बेबी मंत्र, अगर आपको वो लिंक चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो लिंक ज़रूर दूँगी। उस मंत्र की मदद से भी मुझे कंसीव होने में हेल्प मिली। गणेश भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, मेरी भी वो मनोकामना उन्होंने ही पूरी करी है। तो मैं पूरा दिन पूजा पाठ करती रहती थी, मैं योगा करती रहती थी, मैं अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देती थी, और मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाती थी, ना ही किसी से बात करती थी, क्योंकि किसी से भी बात करो तो वो मुझे मेंटल प्रेशर देके मेरा स्ट्रेस बढ़ाते थे, जिससे मेरे हॉर्मोन्स इफ़ेक्ट होते थे। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं रूम में ही रहूँगी और अब किसी से भी नहीं बात करूँगी। इवन मेरे फादर इन लॉ वो तो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि इसको डाइवोर्स दे दो, ये कैसी लड़की है, प्रेगनेंट तक नहीं हो रही है, बीमारियों से भरी हुई है, और मुझे किचन में भी नहीं आने देते थे, बोलते थे मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। मैं जैसे ही किचन में जाती थी मुझे भगा देते थे, बोलते थे चलो निकलो निकलो, ऊपर जाओ के रूम में बैठ जाओ। तो वो मुझे हर तरीके से टॉर्चर करते थे। मेरे हस्बैंड और मेरी ननद घूमने जाते थे तो वो बोलते थे कि इसको घुमाने मत ले जाओ, ये क्यों चल रही है, इसको क्यों ले जा रहे हो। तो वो हमेशा मुझे हर बात पर कुछ ना कुछ गंदा बोलते थे, तो वो मौके ढूंढ रहे थे कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ। वो मुझे इतना परेशान कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि मुझे बेबी नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए उनसे फाइट करते रहते थे, हमेशा मुझे पॉजिटिविटी देते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे, पर कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर वो भी मुझे चिल्ला देते थे, हमारा भी झगड़ा हो जाता था। तो ये सब चलता रहा, फिर मैंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया, एक्सरसाइज करी, योगा करा, अपनी बॉडी को मेंटेन किया, फिर मैंने अगेन मेडिसिन स्टार्ट करी, फिर अपने पीरियड्स रेगुलर किए। वो सब टिप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन कौन सी टिप्स फॉलो करी थी प्रेग्नेंट होने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। जब मैं वीडियो वो अपलोड करूँगी तो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि मैंने कौन सी टिप्स को फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव करी थी। मैंने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाया, डॉक्टर की दवाई तो ले ली, लेकिन मैंने अपना मेंटली भी अपना दिमाग लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी बॉडी पर ये जो मेडिसिन है वो वर्क करना स्टार्ट कर दें। चलो ये फिर फाइनली धीरे धीरे सारी मेडिसिन मेरी बॉडी के ऊपर वर्क करने लगी। मैं अपना ओविलेशन भी ट्रैक करती थी, ओविलेशन में जो डिस्चार्ज होता है मैं उसे भी हमेशा नोटिस करती थी। मैं वीडियोस में देखती रहती थी कि ओविलेशन कैसे होता है, कैसे उसके डिस्चार्ज को नोटिस करते हैं। तो ये सब करते करते एक दिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा घरेलू नुस्खे अपनाए, डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ मैंने घरेलू नुस्खे भी किए, तब जाके मुझे कंसीव हुआ है। मैंने अपना दिमाग लगा के पूरी अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करी है, अकेले डॉक्टर की मेडिसिन से मेरी बॉडी पे कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही थी। तो चलो ये सब किया एंड फाइनली मुझे एक दिन कंसीव हो गया। एंड मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में फिर मेरे इन लॉस, मेरी सास, मेरी ननद बोलती रहती थी कि काम करो काम करो। मैंने बोला इस बार मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं बेड रेस्ट करूँगी, जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि जब मेरा मिसकैरेज हो गया था तब आप लोगों ने ही मुझे बहुत टॉर्चर किया था ना कि ये हो गया वो हो गया, तब भी तो मैं बहुत काम कर करके ही मेरा मिसकैरेज हुआ था। इस बार मैं 9 मंथ बेड रेस्ट पे थी, मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते थे, इवन मेरा खाना मेरे हस्बैंड ऊपर लेकर आते थे। तो ऐसे मैंने बेड रेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथली मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी हुई एंड मेरे अब मेरा एक बेबी बॉय है क्यूट सा। अब मैं अगेन प्रेग्नेंट हूँ, इस बार मैंने नेचुरली कंसीव किया है, जब वो 7 मंथ्स का था तब मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको अगर वो टिप्स चाहिए कि मुझे मैंने कौन कौन सी टिप्स को फॉलो किया, घरेलू नुस्खों को फॉलो किया था, कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन किया, पीरियड्स रेगुलर किए थे, तो वो सब टिप्स जानने के लिए आप कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी मैं वो टिप्स अपलोड करूं तो वो टिप्स आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएं। थैंक यू।